इस यार काफी ज्यादा समय हो चुका है भाई साहब, और अपने पास ना यार राइड मतलब नहीं आई थी लेकिन अभी आ गई है। सामने एयरपोर्ट आया, दिल में हुई हलचल, देखते बस 2 घंटे में पहुंच गए हम एयरपोर्ट। तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ऋषि और आप देख रहे हैं ऋषि सिंह व्लॉग्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गाइस तारीख है आज अपनी 18 मार्च 2024 और समय हो रहा है दोस्तों सुबह के 10:15, 10:15 भाई तुम्हारा आ चुका है सीधा जीटी रोड के ऊपर। तो अभी ना दोस्तों सीन कुछ ऐसा है यार कि कल मैं मतलब आया था ना भाई, लेट हो गया था वहां से आने में, 1 बज गया था। तो फिर ना यार भाई रात भर के जगह ही था यार लगभग, सो तो यार क्या ही हो पाती है नींद गाड़ी के अंदर, है ना। फिर भाई मैं नहीं निकला यार, तो इसकी वजह से ना फिर मैं आज निकला क्योंकि भाई काम तो करना ही है यार, है ना। तो अभी ना यार गाइस सीधा चलते हैं, गैस को फुल कराते हैं और डिवाइस ना मैंने यार ऑलरेडी मैं बता दूं आपको ऑन कर रखी है आउट स्टेशन के लिए, ठीक है। तो उसका डिवाइस का भी कोई सीन नहीं है तो बढ़िया। ये देखो भाई, ये देखो डिवाइस अपनी ऑन है, ये देखो भाई तो डिवाइस भाई सारा कुछ ऑन है। गैस और डलवा दें चल के, बाकी अपनी गाड़ी एकदम फिट हो जाए भाई। आज हवा भी डलवानी है, एक टायर में ना कम है भाई, है ना, तो वो भी डलवा देंगे चल के साथ ही साथ हर्षनगर वाले पेट्रोल पंप से। तो चलते हैं देखते हैं गैस कितनी की आएगी, सेकंड फिर राइड कहाँ की आएगी, आएगी भी कि नहीं आएगी, है ना यार ब्रो। सबसे पहले लेकिन यार CNG डलवा लें चल के और फिर हवा डलवा लें चल के, उसके बाद देखते हैं क्या सीन रहने वाला है आज के काम का। आई जाए तो अच्छा है यार, बाकी देखो प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया, अपने पास आज कितना काम आया ये हम लोगों को शाम को पता चल पाएगा। चलो यार ब्रो आ गया अपना CNG पंप आ गया, चलते हैं आज गैस जलवाते हैं यार, है ना, उसके बाद देखते हैं आगे का सीन क्या रहेगा आज का। ये सारी कमाई, आगरा की बुकिंग आई अभी नहीं आई, चलो यार चलते हैं। गाइस यार अपनी ना जो गैस है वो फुल हो चुकी है, मतलब आप ये देख सकते हो कांटा एकदम शिखर पे आ चुका है भाई साहब, एकदम बेहतरीन लल्लन टॉप हो चुका है यार। और पता है मैं अभी 80 फीट रोड पे हूँ यार, एक चीज मैंने नहीं बताई आप लोगों को, सीन कुछ ऐसा है ब्रो कि मैं ना यार अपना जुगाड़ बैठा रहा हूँ अपनी उबर की आईडी चालू करवाने का, क्योंकि यार इस समय ओला से वेटिंग कुछ ज्यादा ही चल रही है और उबर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता ही है यार, ओला से जाओ उबर वहां ऑन करो खटपट बजने लगती, चूंकि उसका किराया भी यार थोड़ा सा ओला से कम ही आता है, किराया कम आता है लेकिन ऑपरेटर ऑलमोस्ट लगभग ऊपर नीचे 100-200 का ही फर्क शायद कभी कभी आता है, नहीं तो सेम ही मिलता है यार, है ना। तो हम क्या सोच रहे हैं कि उबर अगर अपनी ऑन हो जाती है भाई, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा यार, ओला से जाओ उबर से आओ, है ना, तो समय ना बहुत ज्यादा बर्बाद नहीं होगा यार, ये प्रॉफिट हो जाएगा। बात चली है देखो यार पैसा भी ढेर सारा लग रहा है, तो देखो अगर खुल जाती है पैसा देने के बाद तो पैसा तो कोई दिक्कत नहीं, 2 लखनऊ के चक्कर हो पैसा पूरा अंदर, है ना, तो ये है। बाकी चालू हो जाए तो अच्छा है, हम वैसे बोल दिए हैं भैया को जिनसे बात हुई है कि कोई दिक्कत नहीं भैया पैसे वैसे सब दे देंगे, आप जो है चालू करवाने का सिस्टम बैठा लो, तो अगर चालू हो जाएगी तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपनी जो है उबर भी चालू हो चुकी है और फिर ना अपन उबर का भी काम समेटेंगे भाई ढेर सारा, है ना, फिर पैसा ही पैसा होगा, भयंकर पैसा, इधर पैसा उधर पैसा चारों तरफ पैसा ही पैसा, पैसे फिर तुम्हारा भाई एकदम क्या बताएं पता नहीं क्या करेगा। खैर अभी हवा डलवा दें चल के, अभी पैसा नहीं है भाई, फ्री वाली हवा डलवाते हैं चल के, ठीक है। बाकी देखो यार उबर अगर चालू होगी ना तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, और अगर मेरी चालू होती है ठीक है तो फिर जितने अपने भाइयों की किसी की बंद है, किसी की चालू नहीं हो रही, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, अगर ऐसा कुछ होता है ना तो फिर तुम्हारा भाई ना उन्हीं भैया से बोल बोल के चालू करवा देगा, लेकिन पहले अपना तो सीन बने, मतलब अपनी आईडी चालू हो जाए तो एक बार कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ भाई मतलब भैया जो है वो कर देंगे, है ना ब्रो। तो अभी फिलहाल चलते हैं, गैस तो डली चुकी है, मतलब हवा डलवाते हैं, डिवाइस ऑन है, काम का सीन देखते हैं, बाकी देखो काम वाम कहाँ का आता है कहाँ का नहीं आता है, है ना ब्रो। चलते हैं सीधा यार सामने अपने हर्षनगर पेट्रोल पंप भी आ गया है, बढ़िया चलते हैं, हवा डलवाते हैं, पॉल्यूशन भी बनवाना है, हम सोचा बनवा ही लें, चलो देखते हैं यार पॉल्यूशन वाले आए होंगे तो वो भी बनवा लेंगे, ठीक है ना गाइस। चलते हैं सीधा। इस यार काफी ज्यादा समय हो चुका है भाई साहब, और अपने पास ना यार राइड मतलब नहीं आई थी लेकिन अभी आ गई है, लेकिन सीन कुछ ऐसा ब्रो क्या राइड तो आ गई है ठीक है, और आउट स्टेशन की आ गई है, और ये रही राइड वो वाली जो आई है अपने पास, ठीक है, और 3:19 भी हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ब्रो कि मैंने ना कॉल किया जिनकी राइड आई है तो वो कॉल नहीं पिक की है, इसमें 4 बजे का पिकअप है और 3:20 हो रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। तो यार क्या लगता है ये फेक होगी कि रियल होगी, क्योंकि बात नहीं हुई है और ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, मतलब आधा घंटा 10 मिनट और 40 मिनट बचे हैं केवल, हो सकता है बाद में हो जाए, है ना। वेट करते हैं 4 बजे तक का पिकअप जो है ना
वो जो सामने ये रिजेंटा दिख रहा है, ये रिजेंटा, ये थोड़ा सा और जूम करें, ये देखो रिजेंटा दिखा ना, ये वाला यहाँ से आ गया, मतलब के मुश्किल से 250 मीटर से पार्क से निकलेंगे, लेफ्ट लेंगे और रिजेंटा आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं वेट, करते हैं 4 बजे तक का, 4 बजे तक पता चलेगा फेक है कि रियल है। ठीक है ना गाइस, अगर रियल हो जाए तो बढ़िया है, बाकी देखते हैं क्या रहेगा। ठीक है, सामने एयरपोर्ट आया, दिल में हुई हलचल, देखते बस 2 घंटे में पहुंच गए हम। कहा एयरपोर्ट, तो गाइस यार भाई तुम्हारा एयरपोर्ट पहुंच चुका है, जो वाली अपनी राइड देना ब्रो, वो राइड बिल्कुल और एकदम सही थी भाई। तो कस्टमर को मैं ड्रॉप कर चुका हूँ और अभी ना यार गाइस निकलते हैं हम लोग इस हरियाली के नजारे लेते हुए सीधा बाहर, और बाहर पहुंच के फिर मैं आपको ऑपरेटर बिल दिखाऊंगा कि हम लोगों को कितना मिला है। फिलहाल इस समय ऑपरेटर बिल अपने बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं और यहाँ पे काफी ज्यादा लाइन लगी हुई है। तो सीधा ना गाइस चलते हैं हम लोग बाहर और फिर ना यार मैं दिखाऊंगा आपको ऑपरेटर बिल अपना। ठीक है ना गाइस, सो गाइस मैं बता दूंगा आपको कि फाइनली ना यार मैं पहुंच चुका हूं इस मैदान में, और यार बहुत सारी गाड़ियां हैं भाई, कुछ प्राइवेट हैं, कुछ ओला वाली हैं, कुछ ऊबर वाली हैं, और कुछ हम जैसे लोग आए हुए हैं यहाँ पे, मतलब बेतहाशा गाड़ियां हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है भाई, हम लोगों को तो वेट करना है जो कि कर रहे हैं, लेकिन वेट करते करते ना मैं आपको यार ऑपरेटर बिल दिखा दूं, जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे कि भाई मैदान पहुंच के ना हम लोग आपको, मतलब मैं आपको ऑपरेटर बिल दिखाऊंगा। समय की बात करें तो 6:30 है और ऑपरेटर बिल की बात करें तो ये तो आपको सामने दिख ही गया है, लेकिन हम लोग डिटेल के साथ बात करेंगे। तो डिटेल के साथ की बात करी जाए तो टोटल 83.2 किलोमीटर गाड़ी चली है, 2 घंटे 3 मिनट का टाइम लगा हुआ है, 90 रुपये का टोल जो कि मिल चुका है, जो कि लगा ही था, तो कोई मतलब नहीं है भाई इसको बताने का। ठीक है, और टोटल फेयर इस राइड का 1558 था भाई, अपनी अर्निंग योर अर्निंग हुई है, मतलब 1045 रुपये और साथ में 90 रुपये का टोल, तो अपना सॉरी 90 का टोल तो नहीं यार, क्या बोल रहे हैं, मतलब के 1045 रुपये का अपनी अर्निंग और 100 रुपये का डेली अलाउंस, तो हो गया अपना 1145 जो कि आपको यहाँ पे दिखाई था स्टार्टिंग में। तो ले देके भाई लगभग 1150 रुपये का ऑपरेटर हम लोगों को इस राइड का मिला है, समय 6:30 हो रहा है, तो देखो यार वापसी की राइड बच पाती है कि नहीं, हम तो सोचे यार बच जाए तो यार भले, मतलब 10 बजे बच जाए, 11 बजे बच जाए, 12 बजे बच जाए, रात ना काली करनी पड़े यार, रात में बड़ी समस्याएं हो जाती, नींद नहीं आती भाई, और फिर ना पूरा दिन खराब हो जाता, फिर कल का दिन भी खराब हो जाएगा अगर राइड नहीं आई तो, समझ रहे हो आप लोग, तो ये चीज है, लेट है लेकिन आ जाए तो थोड़ा सा ज्यादा सही रहेगा। अभी फिलहाल हम लोग वेट करते हैं, देखते हैं, तब तक इसी मैदान में हम लोग थोड़ा आवारागर्दी करने के लिए निकलेंगे अभी गाड़ी के अंदर से। ठीक है ना गाइस, तो देखते हैं यार क्या सीन रहने वाला है आगे का, राइड वाइड आती है हम लोगों के पास के नहीं आती है, और नहीं आती है तो कब तक नहीं आती, और आती है तो कब तक आ जाती है, सारी चीजें पता चलेंगी ब्रो, बने रहिएगा ऋषि सिंह ब्लॉग्स पे आगे की अपडेट जानने के लिए। ठीक है ना गाइस, गाइस यार मैं बता दूं आप लोगों को कि राइड ना यार अपने पास आ गई है, पता नहीं कौन सी किस्मत लेके आया है आज भाई तुम्हारा यार, मतलब शाम को 6 बजे ड्रॉप करने को, 6 बजे के बाहर ड्रॉप किया था भाई मैंने, ठीक है, उसके बावजूद भाई राइड आ गई, मतलब एक पहली आई वो भाई अनेबल टू एक्सेप्ट हो गई, मेरा तो मन कहीं ना कहीं हुआ कि भाई लग रहा नंबर कट जाएगा, क्योंकि पता नहीं होता ना भाई एक ही राइड पे नंबर काट देती है यार ओला कभी कभी, है ना, तो लगा अंदर से, बट फिर थोड़ी देर बाद फिर मेरे पास दूसरी आई प्रयागराज की, वो भी भाई मतलब फेक ही थी यार दोस्त, ठीक है, तो उस पर भी जाना नहीं हो पाया यार चूंकि फेक थी, वो कैंसिल हो गई थोड़ी देर बाद, और फिर ना तीसरी राइड ही अपने पास आई है भाई, तो आप ये समझो कि यार शायद आवाज से तो हमको लग रहा है कि नहीं भाई राइड सही है। और अभी ना गाइस मैं अपना एयरपोर्ट के अंदर ही जा रहा हूँ क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर से ही बची है भाई, ठीक है, तो ये है अपनी राइड, और बस अच्छा नंबर वो है, ये है ब्रो, ये है अपनी राइड, ठीक है, तो चलते हैं यार गाइस सीधा एयरपोर्ट में, है ना, और कस्टमर को पिक करते हैं अगर ये कैंसिल नहीं होती है वहाँ पहुँचने तक तो, ठीक है, और बाकी अगर सही रहेगी रियल वाली होगी, कैंसिल वैंसिल नहीं होगी, तो फिर पहुँच जाएंगे अपन टाइमली यार कानपुर, तो आज का दिन सही हो जाएगा, है ना, और अगर कुछ होता है इस बीच यहाँ से लेके वहाँ तक जाने में, है ना, मतलब कैंसिल वैंसिल होती है तो फिर तो यार देखी जाएगी, बट अभी यार जा रहे हैं अंदर, है ना, देखो ऊपर वाला अच्छे ही करेगा, बाबा सब यार अच्छे ही करते हैं भोलेनाथ अपने, है ना, तो चलते हैं यार दोस्तों महादेव का नाम लेके, हर हर महादेव, और देखते हैं क्या सीन रहने वाला है। ठीक है ना गाइस, चलते हैं सीधा यार ब्रो, बढ़िया अंदर पिक करते हैं कस्टमर को अपने। सो गाइस मैं बता दूं आपको कि फाइनली ना यार आपका भाई पहुंच चुका है भाई, और अभी ना यार गाइस मैं अपना यहां पे हूं एनआरआई सिटी के अंदर, यहीं पे मैंने अपने कस्टमर को ड्रॉप किया है भाई, और भाई भयंकर अमीर लोग यहाँ पे रहते हैं, मतलब भाई तगड़ी सोसाइटी है यार ये,
ये क्या पुलिस की वैन अंदर घूम रही है? गजब, इतनी तगड़ी है। पुलिस की नहीं है भाई, किसी अधिकारी अधिकारी की है। भाई भाई टाइम पता है कितना हुआ है दोस्तों? 10:46 और 9 बज रहा था उस समय जब हम पिक करने जा रहे थे। आप सोचो हम कितनी तेज आए हैं भाई, पहली चीज। और दूसरी चीज भाई, हमको कतई जाम नहीं मिला एक रत्ती भर का, मतलब कहीं पे भी गाड़ी भाई मेरी 2 मिनट की नहीं रुकी होगी। और ये भाई हाइड है, समझ रहे हो? हाइड मतलब के यहाँ पे पैसा बर्बाद होता है भयंकर वाला, मतलब जिसके पास अथा पैसा हो ना, जिससे लगे कि हमको फेंकना है इधर उधर, तो वो यहाँ पे आ सकता है भाई, समझ रहे हो? यहाँ पे अंधा पैसा बेकार होता है भाई, मतलब यार अंधे अमीर लोग आते हैं भयंकर, जिनके पास ढेर सारा पैसा है। खैर कोई नहीं ब्रो, क्या करना यार, हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे चल के ना गाइस फिर कहीं किनारे जो है गाड़ी लगाते हैं, और फिर ना हम लोग अपने ऑपरेटर पे बात करेंगे, क्योंकि ऑपरेटर पे बात करना बेहद ज़रूरी है ब्रो। यहीं पे लगा लें क्या? ये शिबा बैंड एंड डीजे के पास में ये 4 घोड़े देखो, 4 बोतल वोट का, घोड़े मेरे रोज का। चलो यार ब्रो हम लोग ना अपने इस पे आते हैं ऑपरेटर बिल पे। तो अपनी 2 राइडें कंप्लीट हैं, 2422 का ऑपरेटर हो गया है। लास्ट वाली जो राइड थी ना दोस्तों, उसका सीन काफ़ी सही था, खुल का है नहीं रहा यार, ये नेटवर्क इशू है ब्रो, नेटवर्क इशू। देखो भाई ये वाली राइड है जो कि हम लोग लेके आए, ठीक है? तो अब हम लोग जोड़ते हैं। सबसे पहले तो इसका फेयर है 1748 रुपये का, चूंकि ये प्राइम की राइड है भाई। टाइम देखो 83 किलोमीटर, 1 घंटे 43 मिनट के अंदर तुम्हारा भाई लेके पहुंच गया भाई, ठीक है? तो इस पे अपनी अर्निंग टोटल कितनी हुई है? 1176 रुपये प्लस 100 रुपये का डेली अलाउंस, तो हो गया अपना 1276, और 90 का टोल इस राइड पे भी मिल गया। ले देखे भाई अपना टोटल 2422 रुपये का ऑपरेटर है भाई दोनों राइडों का। समय हो रहा है 10:47, मतलब के पूरे 11 भी नहीं बजे हैं, और भाई तुम्हारा 2422 रुपये का शानदार ऑपरेटर बिल बना चुका है। तो इस 2422 रुपये के शानदार ऑपरेटर को जो कि तुम्हारे भाई ने बनाया है, इसको बनाने में कितनी गैस लगी होगी आप लोगों को तो यार बताने की ज़रूरत है नहीं। पूरी एक टंकी, मतलब एक टंकी सफिशेंट हो जाता है भाई। अगर आप एयरपोर्ट जा, मतलब कानपुर से अगर मेरे पास एयरपोर्ट की राइड आई है, किसी के पास भी आई, ठीक है, एयरपोर्ट आशियाना जो एयरपोर्ट से 8-10 किलोमीटर की रेंज वाले एरिए हैं ना, तो वहाँ तक अगर राइड आती तो एक फुल टंकी में ना भाई अप डाउन आराम से होता है बिना किसी दिक्कत के। तो भाई एयरपोर्ट गए अपन लोग वहीं से रिजेंटा से, तो जाने में भी पिकअप करने में कोई बहुत ज़्यादा गैस लगी नहीं भाई, 200-300 मीटर पे ही था यार रिजेंटा, है ना? तो वहाँ से लेके एयरपोर्ट गए, फिर एयरपोर्ट से ही राइड आ गई, तो फिर हम लोग NRI सिटी आ गए। तो गाड़ी विशेष कोई चली नहीं भाई, एक डंडी बचा ही हुआ है यार, ठीक है? एक ही एक, मतलब एक पूरे टंकी में भी एक डंडी बचा हुआ है, तो ये कॉन्सेप्ट हो जाता है भाई गैस का, मतलब बच जाती है यार। अगर ज़्यादा रन नहीं होता है तो एक आध डंडी बच भी जाती है एक टंकी गैस में। तो 700 रुपये की हम लोग गैस को माइनस करते हैं अगर 2400 रुपये में, तो अपना कितना 1700 बचा यार। सही है भाई, शाम को 3 बजे तक मेरे पास कुछ भी नहीं था, और उसके बाद फिर राइड आई, और उसके बाद फिर भाई हम लोग लखनऊ गए, और उसके बाद फिर हम लोग लखनऊ से कानपुर भी आ गए, और अब हम लोग सीधा घर जाएंगे, क्योंकि 11 बज रहा है तो समय हो चुका है काफी ज्यादा। तो चलते हैं ब्रो घर। बाकी चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ना गाइस फटाफट से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। मुलाकात होगी कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहो, देखते रहें ऋषि सिंह व्लॉग्स। पावर टेक केयर दोस्तों।